Hey guys, welcome back to my channel. This is Dhiraj here and I'm back with another video. Few years back, जब हमने गाड़ी नई नई ली थी तो उस टाइम पे हमने एक वीडियो अपलोड करा था गाड़ी के बारे में और वो जस्ट मेरा एक इनिशियल इंप्रेशन था अपनी गाड़ी फोर्ड फ्री स्टाइल के बारे में. तो अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और बस अभी मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू पूरा. क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें मेरे को बुरी लगी इस पूरे लाइफ स्पैन में. कितना 2.5 ईयर का लाइफ स्पैन हुआ शायद इसको मेरे साथ. तो सबसे पहले आते हैं इंजन पे. इसके इंजन काफ़ी पावरफुल है, 96 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और टॉर्क भी काफ़ी अच्छी है एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है आई थिंक ये 150 Nm. आई एम नॉट श्योर दो. इस 3 सिलेंडर इंजन नॉन टर्बो एंड उसके बावजूद भी काफ़ी पंची इंजन है एंड रेव हैवी इंजन है और कभी भी लाइक यू नो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है जब कभी भी आपको थ्रॉटल की नीड होती है. और अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में. गियर बॉक्स थोड़ा इसकी शिफ्टिंग है टॉलर साइड पे है थोड़ा लाइक आपको जैसे हुंडई की कार्स होती है उनमें बिल्कुल छोटी छोटी शिफ्ट होती है लेकिन बच्चू से शिफ्ट होते हैं. और रही बात स्टीयरिंग फीडबैक की, स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा लाइक हार्ड है. काफ़ी यू नो प्रिसीजन वाली जो कटिंग या ड्राइविंग बोल सकते हैं वो वाला एक्सपीरियंस मिलता है आपको इसके साथ. और यही बात मेरे को फोर्ड की काफ़ी अच्छी लगती है और ये चीज़ मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ फोर्ड की. और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, कंपनी क्लेम करती है ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 180 या 190 mm, आई एम नॉट श्योर दो. बट ग्राउंड क्लियरेंस कभी भी अभी हम मैं मंडी में रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर अभी तक मतलब जिस भी रोड पर मैं गया काफ़ी ऑफ रोड करा इस गाड़ी ने कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई ग्राउंड क्लियरेंस के रिगार्डिंग. खाली जो आगे मड फ्लैप होता है वो टच होता है जो काइंड ऑफ वार्निंग ही होती है आपके लिए कि हाँ गाड़ी नीचे टच होने वाली है, सो बी केयरफुल. सो अब आ जाते हैं इस साइड पे. और मेरे को इस गाड़ी से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इसके थोड़ी कलर से रही क्योंकि ये कलर काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि मिट्टी का कलर और ये वाला जो गाड़ी का कलर है ये दोनों साथ में गेट अलॉन्ग नहीं करते हैं. तो रही नेक्स्ट बार टायर्स की, टायर्स हैं इसमें गुडियर्स के टायर हैं और गुडियर्स के टायर्स की कंप्लेंट ये है कि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी पंचर हो जाते हैं. इवन दो इसके टायर लाइक ब्रेकिंग डिस्टेंस तो अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं आपको, बहुत जल्दी लाइक ट्रैक्शन अच्छी मिल जाती है टायर से, बट थिंग ये है कि अपना जो यहाँ मंडी के रोड है आसपास के रोड है रोड टूटे हुए हैं या कहीं पर काम लगा हुआ है रोड्स का और डिब्रिज रहती है सो दे टेंड्स टू यू नो पंचर हो जाते हैं बार बार. सो ये एक बहुत ही लाइक डिसएडवांटेज लगा मेरे को इन टायर्स का और रोड नॉइज़ भी काफ़ी है इन टायर्स में. और अभी सिनेरियो ये है कि इस गाड़ी में यूज़ होते हैं 15 इंच के टायर जो है जिसका आई थिंक एस्पेक्ट रेशियो है वो है 60 एंड जो इसका आई थिंक चौड़ाई है वो है 185 mm की. और मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इसमें गाड़ी में टायर डलवा दें और हम जो इसकी एस्पेक्ट रेशियो है उसको बढ़ाएंगे 65 तक और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कौन से टायर डलवा रहा हूँ और 65 जो एस्पेक्ट रेशो वाले टायर है मूवीज़ के साथ गेट अलॉन्ग होंगे कि नहीं. सो उसके लिए बने रहिए चैनल पे. तो गाइज अब बात करते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में. अब मेरी गाड़ी है पेट्रोल और जो फोर्ड की जो एजेंसी है जो सरोजा फोर्ड है वो काफ़ी सपोर्टिव है. फोर्ड का जो पूरा भी स्टाफ है इवन कोई भी कंप्लेंट रहे वो हर एक प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करते हैं और बिल्कुल ट्राई करते हैं आपको सेटिस्फाई करने की. दैट्स व्हाट शी सेड. रही बात इसकी सर्विसिंग कॉस्ट की, सर्विसिंग कॉस्ट इसकी बिल्कुल नॉमिनल है. अब आसान भाषा में बोलूँ मेरी गाड़ी से ज़्यादा खर्चा मेरे बुलेट का होता है. तो 20,000 पे इसकी सर्विस हुई, बिल्कुल नॉर्मल सर्विस हुई, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल चेंज बिल्कुल एंड ब्रेक पैड्स भी चेंज हुए 20,000 पे एंड अभी तक कोई मेजर खर्चा नहीं हुआ है. बस छोटे मोटे हुए जैसे कि इसके एक टाइम पे पावर विंडो के बटन है वो फेल हो गए थे और वो फोर्ड वालों ने फ्री में रिप्लेस करे, सो थम्स अप फॉर दैट. अभी गाड़ी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हुए, खाली लेदर जो कवर है वो फोर्ड से ही लिए हुए हैं. काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, स्पेशली जो इसका रूफ भी ब्लैक है, गाड़ी का रूफ ब्लैक है तो एंड सीट कवर भी ब्लैक है और रेड के साथ जो काफ़ी अच्छे लगते हैं. और दूसरा इसमें एक ये करा हुआ है, एक तो ये रेवेड वाला की टैग एंड इसमें ये सिलिकॉन कवर चढ़ा रखा है जो इसकी ये की है. अब ये काफ़ी डेलिकेट चीज़ है, अब इसमें चाबी लगाने का ऑप्शन भी नहीं है तो इसको यू नो प्रोटेक्ट करना पड़ता है तो इसलिए ये सिलिकॉन कवर चढ़ाया हुआ है इस पर. और दूसरा इसमें सीट बेल्ट के जो कवर है ये लगाए हुए हैं एसटी रेसिंग वाले जो ये हैं, ये भी काफ़ी कूल लगते हैं और इसको सीट कवर को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं साथ में.
सो बस यही चेंज करे हुए हैं अभी गाड़ी में। एंड बाद में मैंने गाड़ी का कवर ख़रीदा था फोर्ड से, वो लाइट था क्वालिटी में तो उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो गाइस ये रही कुछ बातें गाड़ी के बारे में। और गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप ज़्यादा नहीं हुए, चंडीगढ़ गई 7-8 बार गई चंडीगढ़ में गाड़ी, जो आई थिंक 400-500 किलोमीटर का अप डाउन है। एंड उसके बाद अभी हाल ही में टनल गई थी। और अब बात करते हैं गाड़ी की एवरेज के बारे में। तो गाड़ी यहाँ पे दे रही है मेरे को एवरेज मंडी एरिया में आई थिंक 13.5 के आसपास दे रही है, वो भी हिली रोड्स को मिला के। अगर लेट्स सपोज की गाड़ी अपने प्लेन पे चलती है, लाइक मंडी से नेचौक या सुंदरनगर तक चलती है, तो वहाँ पे गाड़ी इजीली एवरेज दे देगी 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है। मेरा ऐसा है कि मेरा थोड़ा हैवी फीट है ऑन एक्सेलेटर, सो तब करके थोड़ा एवरेज नहीं देती है। तो मेन क्वेश्चन आता है अब कि 2021 में ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जब मैंने गाड़ी ली थी तब गाड़ी का रन इतना नहीं था, बट आजकल गाड़ी का रन ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को डीजल लेनी चाहिए थी। बट एनीवे गाड़ी अच्छी है। और मेन अब ये है कि अब गाड़ी में एम्बिएंटे ट्रेंड वर्जन नहीं आते हैं, अब टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस ही है। और टाइटेनियम में ये कर दिया कि थोड़े बहुत फीचर निकाल दिए हैं जैसे गाड़ी से, जैसे कि ऑटोमेटिक एसी निकाल दिया है और पीछे वाला जो रियर वाइपर होता है वो भी निकाल दिया है, ऐसे छोटे मोटे फीचर्स हैं। और टाइटेनियम प्लस में पहले एप्पल कारप्ले आता था, अब नहीं आता है, वो काफ़ी बमर है। और आना चाहिए वैसे एप्पल कारप्ले टॉप मॉडल में, तो आना चाहिए। गाइस इन शॉर्ट एक समरी देता हूँ मैं फाइनल आपको। तो गाड़ी की जो अच्छी चीज़ें, इंजन टॉप नॉच है और स्टीयरिंग टॉप नॉच एंड ब्रेकिंग ऑल्सो गुड और गियरबॉक्स भी ठीक है, और स्पेशली जो कैबिन स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। लाइक बाहर से आपको कम लग सकता है, बट जब जैसे आप अंदर बैठते हो तो काफ़ी एयरी है। एंड जो विंडोज़ भी हैं वो काफ़ी बड़ी है, लाइक अच्छा फील होता है आपको जब आप इसके अंदर बैठे होते हो। कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ कॉन्स भी होंगे डेफिनेटली। सो कॉन्स पहले तो टायर है, टायर काफ़ी जल्दी पंचर हो जाते हैं और काफ़ी नॉइजी भी है। और इसका जो कुछ प्लास्टिक बिट है वो उनसे काफ़ी क्रीकी साउंड आती है, उनको उनको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, उनको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है तो कहाँ से आ रही है आवाज़। और बिल्ड क्वालिटी मेटल की तो अच्छी है, बट वही बीच में कुछ प्लास्टिक बिट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बूट स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। सो ये है मेरा एक फाइनल समरी इस गाड़ी के रिगार्डिंग। तो अभी 2021 में मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी काफ़ी बिक रही है। और इसकी अच्छी बात ये की है कि जैसे मैंने ये गाड़ी 2018 में ली, वो हुंडई की तरह नहीं करते हैं जैसे एकदम से फेसलिफ्ट ले आते हैं। अब हुंडई के लोग ऐसे हैं कि वो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अगला फेसलिफ्ट निकाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो प्रीवियस ओनर होते हैं गाड़ियों के, अब उनको थोड़ा आउटडेटेड फील हो जाता है। अब मेरी 2018 की गाड़ी और ये गाड़ी सेम अभी 2021 में भी सेम है, सो काइंड ऑफ यू नो रोड पर अब थोड़ा आउटडेटेड फील नहीं होता है। अब आप देख सकते हो कि i20 के कितने फेसलिफ्ट आ गए जैसे 2-3 सालों में ही। सो ये चीज़ें अच्छी लगती है मेरे को। सेम फॉर फोर्ड इकोस्पोर्ट भी। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस कार, इट्स स्टिल वर्थ इट। एंड सो यार दैट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस कार। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड या कमेंट डाउन योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम इफ आई कैन। Hey guys, welcome back to channel and अरे कुछ नहीं हुआ, चिंटी ने काटा।